मैंने एक कार परचेज की है और उस कार के ऊपर सिर्फ मैंने डाउन पेमेंट ही दिया हुआ है। बाकी का पूरा उस कार के ऊपर जितना भी अमाउंट बनता है वो मैंने लोन से पेड करके कार को परचेज की है। अब मैं अपने टैली के अंदर जो लोन मैंने पेड किया हुआ है उस लोन का एंट्री मैं कैसे करूंगा जब मैं उस पार्टी को पैसा दूंगा तो, और फिर उस लोन के सामने मेरा ईएमआई जाएगा तो उस ईएमआई का मैं कैसे एंट्री करूंगा, क्योंकि उस ईएमआई में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा और हमारा इंटरेस्ट भी होने वाला है। तो किस तरह से प्रिंसिपल का एंट्री होगा और फिर कैसे यहाँ पे इंटरेस्ट का एंट्री होगा, वो पूरा ही यहाँ पे कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं अयन पतंग वाला अयन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। अगर चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली इसी तरह की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हो स्क्रीन के अंदर, मैंने एक कार को फोर्ड करके जो एक कंपनी है उसके पास से इको स्पोर्ट यहाँ पे गाड़ी परचेज की हुई है। जो मेरा अमाउंट है यहाँ पे 9,99,900 रुपए, ये मैंने कार परचेज की है इतने का। और यहाँ पे जो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो 3,15,000 रुपए, तो 3,15,000 मैंने उसे डाउन पेमेंट दिया हुआ है अपनी बैंक के अंदर से। ठीक है, अब रिमेनिंग जो अमाउंट यहाँ पे रहता है 6,84,900 रुपए, ये मैंने अपने आईसीआईसीआई एक बैंक से बात करके लोन करवाया हुआ है और यहाँ पे ये पार्टी को जहां से मैंने कार लिया है उसको मैंने पेड किया हुआ है। तो अब इसका एंट्री कैसे होगा हम ये समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लोन करवाया है उसका मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूं। देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो मैंने 7 लाख रुपए का यहाँ पे लोन करवाया हुआ है। कितने का करवाया है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लोन अमाउंट 7 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन हमने तो पार्टी को तो सिर्फ कितना पैसा दिया है, 6,84,900 रुपए। तो सबसे पहले हम एक एंट्री पास करेंगे कि यहाँ पे ऑल्टर A F7। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री जर्नल में क्या होगा, जर्नल में ये होगा कि हमने ये कार्गो जो हमने जिसके पास से कार लिया है इसको हम डेबिट करेंगे और हम इसको बताएंगे कि हमने तुझे पैसा दे दिया है 6,84,900 रुपए। हम ये एक एंट्री पास करेंगे। क्रेडिट में हम लेजर बनाएंगे नया आईसीआईसीआई लोन अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि ये कार की लोन चल रही है ताकि हमें पता रहे, और ये मेरी सिक्योर लोन होगी। यहाँ पे सिक्योर लोन इसलिए क्योंकि जब मैंने गाड़ी लिया और जब मैं लोन करवा रहा हूँ तो मेरे गाड़ी के कागज यहाँ पे बैंक के पास रहने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे ये मेरा सिक्योर लोन हुआ। अगर इन फ्यूचर अगर मैं कार की ईएमआई जो यहाँ पे लोन लिया है वो ईएमआई टाइम से नहीं भरता तो यहाँ पे बैंक वाले कुछ भी एक्शन मेरे सामने ले सकते हैं, इसलिए ये हमारा सिक्योर लोन होगा। मैं कंट्रोल ले करके बाहर आ जाता हूं और यहां पे लिख देता हूं पेड फ्रॉम आईसीआईसीआई लोन अकाउंट। देखिए यहां पे जो पार्टी का अकाउंट है यहां पे हमने जीरो कर दिया है, मतलब मैंने 9,99,900 का जो हमने गाड़ी लिया है उसमें से 3,15,000 मैंने अपना एक नंबर का चेक दिया था जो डाउन पेमेंट दिया, और उसके बाद 6,84,900 रुपए मतलब आईसीआईसीआई से हमने लोन करवा लिया है। तो यहाँ पे एक काम खत्म हो गया कि हमने पार्टी को पैसा दे दिया। अब यहां पे बात करते हैं यहां पे सिक्योर लोन में आगे। देखिए यहां पे ये यहां पे आईसीआईसीआई लोन का अकाउंट यहां पे आके खड़ा हो चुका है सिक्योर लोन में। अब क्या करेंगे यहां पे, आपने यहां पे देखा होगा इस पीडीएफ के अंदर जो मैंने आपको बताया कि लोन का अमाउंट तो 7 लाख है लेकिन यहां पे तो 6,84,900 ही आया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब मैंने ये 7 लाख का लोन करवाया है तो यहां पे क्या हुआ होगा कि बैंक ने कुछ यहाँ पे जो लोन प्रोसेस किया है उसका चार्ज भी काट लिया होगा। तो यहाँ पे जो 7 लाख और यहाँ पे ये जो 6,84,090 है तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस का अमाउंट है ये प्रोसेसिंग फी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोसेसिंग फी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना अमाउंट बचता है, 7 लाख यहाँ पे हम देखेंगे कितना अमाउंट बचता है। तो 7 लाख माइनस 6,84,090, तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आता है 15,100। तो अब यहाँ पे मैं एक एंट्री पाड़ूंगा यहाँ पे F7 के अंदर के ऑल्टर सी प्रोसेसिंग फीस।
प्रोसेसिंग फीस एक्सपेंस अकाउंट यहां पे लिख देंगे और लिख देंगे कार लोन, और यहां पे इसे डाल देंगे ये हमारा खर्चा है, तो यहां पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे जो हम हमारी बैंक ने जो हमने जिससे लोन लिया आईसीआईसीआई से उसने हमसे वसूला है, तो यहां पे कंट्रोल ए मार के सेव कर देंगे और 15,100 से यहां पे एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और यहां पे आईसीआईसीआई जो लोन है उसे हम क्रेडिट कर देंगे और यहां पे लिख देंगे कि यहां पे प्रोसेसिंग फीस एक्सपेंस बुक, यहाँ पे इस तरह का काम होगा। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आईसीआईसीआई जो लोन है वो यहाँ पे अब 7,00,000 हमें दिखाने वाला है। अब यहाँ पे दिखाएगा कि 6,84,090 यहाँ पे हमने कार्गो फोर्ड वाले को दिए हैं और बाकी का ये बैंक ने हमसे क्या करा है प्रोसेसिंग फी लिया है। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 7,00,000 का लोन अमाउंट हमसे मैच हो जा रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे 5 जनवरी 2020 को हमारा पहला इंस्टॉलमेंट गया है 22,478 और यहाँ पे उस अमाउंट में 17,734 प्रिंसिपल है और बाकी का अमाउंट यहाँ पे क्या है इंटरेस्ट है। अब देख लेते हैं इसका एंट्री कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है टैली माना है। अब ऑल्टर F5 पेमेंट में जाएंगे, हमारा 5 जनवरी को EMI जा रहा है ठीक है, हम एंट्री मारेंगे आईसीआईसीआई लोन यहाँ पे जो हमारा जाएगा कितना है फिगर हम देख लेते हैं ठीक से 22,478 देख लो इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 22,478 का एंट्री पास करेंगे और हमारे किसी भी बैंक से जाने वाला है, हमारे HDFC से बैंक में से जाने वाला है। अब यहाँ पे लिख देते हैं EMI सिंपल, यहाँ पे एंट्री मार देंगे। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे 7,00,000 रुपए का हमने यहाँ पे लोन लिया है और हमारा 22,000 का पहला इंस्टॉलमेंट जनवरी के अंदर जा रहा है ये वाले महीने में दिख रहा है आपको। अब आपको क्या करना है यहाँ पे एक काम करना है, ये जो 22,478 है ये तो हमारा पूरा यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, कुछ अमाउंट इंटरेस्ट है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट इंटरेस्ट दिखाएगा 4,744। तो आपको क्या करना है एक एंट्री पास करना पड़ेगा टैली के अंदर 5 जनवरी में ही, ऑल्टर F7 करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेजर बनाएंगे नया इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे कार, यहाँ पे पता चले कि किस चीज का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे ऐसा बाइफरकेशन आप कर सकते हो। ये हमारा एक्सपेंस हो चुका है तो यहाँ पे एंटर मार के कंट्रोल ए मार के सेव कर देंगे। भाई अमाउंट कितना है यहाँ पे देख लो 4,744 रुपए, तो आएंगे टैली के अंदर 4,744 का एंट्री पास करेंगे और हम यहाँ पे आईसीआईसीआई लोन को क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमारा EMI अभी जनवरी के अंदर कटा हुआ है उस जनवरी का यहाँ पे ये इंटरेस्ट इतना अमाउंट। अब आप क्लोजिंग अमाउंट देखोगे यहाँ पे जनवरी का तो आप क्लोजिंग बैलेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना है 6,82,266 रुपए। तो यहाँ पे आप देखोगे किधर इसके अंदर देखो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना आपको दिखा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 6,82,266 देख लीजिए 6,82,266, मतलब आपको हर EMI के बाद EMI जा रहा है उसको पूरा ही लोन में डाल देना है और सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपको अलग से इस तरह से उसी डेट में जहां पे जब EMI जा रहा है उसी डेट के अंदर आपको इंटरेस्ट का एंट्री मार देना है। तो इससे क्या होगा आपका ये जो ये स्टेटमेंट है इसको रीपेमेंट शेड्यूल बोलते हैं, तो ये रीपेमेंट शेड्यूल के अंदर आपका जो क्लोजिंग है लोन का वो हर बार मिलता रहेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा कि पार्टी को हमने कैसे पैसा दिया और उसके बाद हमने लोन में जाने के बाद प्रोसेसिंग फी कैसे बुक करा और हमने EMI के बाद इंटरेस्ट अमाउंट बुक करके यहाँ पे अपना क्लोजिंग बैलेंस कैसे मैच किया। आशा करता हूँ ये सारी ही चीजें आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो यहाँ पे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।